हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? होप हर बार की तरह आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए, जहां से हमने छोड़ा था हमारा कारवा, वहीं से आगे बढ़ते हुए हमने करे थे 7.5 के पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ ऐसे सम्स कि जिसमें x का पावर 1 हो, और हमने सब स्प्लिट करा था, ठीक है। तो अब हम करते हैं जिसमें x का पावर 2 हो तो कैसे स्प्लिट करना है हमें। जैसे कि अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, ये आएंगे पहले, फिर आएगा 12, 10 एंड 11, हमने कर लिए हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, क्वेश्चन 7 व्हिच इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। क्वेश्चन 7 7.5 क्वेश्चन 7 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड द क्वेश्चन इज x माइनस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस 1। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से, कि ये जो x है यहाँ पे भी x है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है विच कैन नॉट बी फैक्टराइज। अगर भूल से भी x माइनस 1 का स्क्वायर होता तो हम लोग उसको फैक्टराइज करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से एक टर्म कंपल्सरी स्क्वायर वाला स्प्लिट होगा। सो मुझे क्या करना है, दिस इज लाइक a अपॉन x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन, अब ऐसा क्यों करा एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब ऑलरेडी स्क्वायर आना है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ बी लिखा तो स्क्वायर नहीं आएगा। तो उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें न्यूमरेटर ऑन लेफ्ट साइड विच इज एक्स, और वी कैन से 0x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 0, एंड न्यूमरेटर ऑन राइट साइड विच इज, ध्यान से, a into x square plus 1 plus bx plus c into x minus 1, ऐसा कुछ होगा। अगर हमने करा compare, comparing left and right side, तो क्या होना है, ध्यान से, this is only 1x which equals to, this is ax square plus this is bx square प्लस, अब अगर मुझे x वाला टर्म लिखना है, सो दिस इज सी एक्स, दिस इज माइनस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, दिस इज a एंड दिस इज माइनस सी। सो कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स, ध्यान से देखिएगा फिर एक बार, मैंने करा a के साथ सिर्फ x माइनस 1, मतलब उसमें x का पावर 1 है तो मैंने a को नॉर्मल लिया है, फिर b में मैंने लिया bx प्लस c, क्यों, बिकॉज उसमें x का पावर 2 है, तो न्यूमरेटर में एक कम मतलब वो 1 होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने bx प्लस c एक लीनियर फॉर्म लिया, कंपैरिजन करी न्यूमरेटर की, तो पहला इक्वेशन विच इज a प्लस b इक्वल्स टू 0, दूसरा इक्वेशन दिस इज c माइनस b equals to 1, and the third equation a minus c is equals to 0, तो इसका मतलब हो गया a is equals to c। तो अगर मैंने यहाँ पे रख दिया इसको, so equation हो जाएगा a minus b equals to 1, already we are having a plus b equals to 0, so taking this two equation, 2a is 1, a होना है 1 by 2 and a is 1 by 2, so is c, ठीक है। तो अब c क्या होगा, c इज b प्लस 1, अरे b इज उल्टा लिखा मैंने, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि b इक्वल्स टू, b यहां पे जाएगा, c माइनस 1 इज b, सो विच इज हाफ माइनस 1 विच इज माइनस हाफ। तो क्या होगा इक्वेशन, ध्यान से, a इज 1 बाय 2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस, अब ध्यान से, बी इज 1 बाय माइनस 1 बाय 2 इंटू एक्स प्लस सी इज 1 बाय 2 अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको लगेगा कि ये सम कैसे होगा, तो ये तो बहुत ही इजी हो गया, ऐसे हमने सम्स करे हुए हैं कहां पे, लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज एक्चुअली हाफ इंटू dx अपॉन x माइनस 1, ये इंटीग्रेशन, ये एक वाला टर्म मैंने अलग ले लिया इसमें से, प्लस ये माइनस हाफ मैंने ले लेना है अलग,
बचा सिर्फ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, इतना मैंने अलग लिखा यहां तक का, ठीक है। फिर आएगा प्लस हाफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब होगा कुछ जादू, ध्यान से देखिएगा, दिस इज 2x एंड दिस इज 4। मतलब क्या करा मैंने, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, दिस इज हाफ लॉग मोड एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाय 4 लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय 2। यहाँ पे आएगा 1 अपॉन ए, बट वो लिखने की जरूरत नहीं है, टैन इनवर्स x अपॉन ए, ए तो 1 है। सो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन 7। एक और बार ध्यान से देखिएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस 1, क्या करा हमने, a अपॉन x माइनस 1 बी एक्स प्लस सी, क्यों, बिकॉज वहां पे एक पावर ज्यादा था, तो बी एक्स प्लस सी। फिर हमने न्यूमरेटर कंपेयर करे दोनों साइड, तो हमें ए बी एंड सी की वैल्यूज मिल रही है। क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ए प्लस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी यहाँ पे है 0, फिर यहाँ पे ये सी एक्स, ये माइनस बी एक्स, तो सी माइनस बी यहाँ पे है 1x, तो वो 1 हो गया। एंड फिर हुआ यहाँ पे कॉन्स्टेंट ए, यहाँ पे माइनस सी, सो ए माइनस सी हो गया 0। ए के बदले सी रखा, ठीक है, या सी के बदले ए, सो दिस इज ए माइनस बी इज 1, ए प्लस बी इज 0। सब्ट्रैक्शन तो डायरेक्टली हो गया, 2a इज 1, a इज 1 बाय 2, सो इज c। उस तरीके से हमने फाइंड करी कि b की वैल्यू। तो एक बारी कंफर्म करते हैं, ये है 7.5 का 7th हाफ लॉग मोड x माइनस 1 माइनस 1 बाय 4 लॉग मोड x स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1 बाय 2 टैन इनवर्स x, दैट्स इट। उन लोगों ने भी सेम डिटो एग्जैक्टली कॉपी का कॉपी इसकी कुछ लिखेला है बॉस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम में, जो कि है हमारा, अब मैं इसी टाइप के एक सम ले लेती हूँ, विच इज 13, 2 अपॉन 1 माइनस x एंड x स्क्वायर प्लस 1, 2 अपॉन 13th, which is 2 upon 1 minus x and x square plus 1. तो obviously इसी हिसाब से आप देखो कि this is a upon 1 minus x, ठीक है, and plus this is bx plus c upon, same sum हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में डिफरेंस है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स माइनस वन था, यहाँ पे भी एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन है, वो भले ही वन माइनस एक्स से क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ माइनस का होगा। और न्यूमरेटर में यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे टू है, मतलब जो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे टू है, जो यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट वन था, यहाँ पे वो जीरो है। तो सेम डिटो अगर मैंने करा न्यूमरेटर कंपेयर, सो न्यूमरेटर ऑन लेफ्ट इज 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 एंड न्यूमरेटर ऑन राइट विच इज a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस x। थोड़ा ध्यान से, सो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2, दिस इज a माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर, फिर होगा क्या यहाँ पे बी एक्स एंड माइनस सी एक्स, सो इट इज बी माइनस सी एक्स प्लस ए एंड दिस इज प्लस सी। सो अब हमें कंपैरिजन करनी है, सो ए माइनस बी इज जीरो, बी माइनस सी वो भी जीरो, एंड ए प्लस सी हो गया 2। और बहुत सिंपल आ गया, ए का बी का सी दोनों सेम, ए का बी का सी दोनों सेम, ठीक है। ची का पी का पी का चू, ये हो गया a इक्वल्स टू b, ये हो गया b इक्वल्स टू c, तो ऑब्वियसली अब 2a इज 2 ऐसा होगा, सो a इज 1, b इज 1, सो इज c, सब हो गया 1 1 1। सेम डिट्टो यही का यही, वहां पे x आएगा, हमें करना है 2 मल्टीप्लाइड डिवाइड, डिट्टो वही सम हो रहा है, सिर्फ वैल्यूज में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, एक बार मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको लिख देती हूँ, अगर मेरा मन हुआ तो शायद मैं पूरा सम भी कर लूं। a विच इज 1 अपॉन 1 माइनस x, b इज 1,
सो इट इज x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, c इज 1, सो इट इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इधर मैंने लिखेला है 2 and 2, मैंने कर दी ये अरेंजमेंट जो मुझे बाद में करनी थी बट मैंने पहले कर ली. सो दिस इज log mod 1 माइनस x, सिर्फ माइनस आएगा क्यों, x का कोफिशियंट, प्लस आएगा 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1, फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन उस हिसाब से, एंड दिस इज tan इनवर्स. डन डन आ डन हो गया. सेम ऐसा सम है जो हमने सेवेंथ करा और ये था आपका 13th. अभी भी सम्स हैं जिसमें जैसे कि अब मैंने लिखा, मैं लिख रही हूं कौन सा लिखूं, चलिए हम लिखते हैं 9th एंड 12th. क्या है 9th में, विच इज 3x प्लस 5, क्वेश्चन 9, विच इज 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, फिर मैंने लिखा 12th भी मैं लिख रही हूं, पहले मैंने 8th लिखा, x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर एंड x प्लस 2. ठीक है, ऐसा कोई और सम, यस हो रहा है 14th, विच इज 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 दी होल स्क्वायर. अब ये तीनों सम में क्या कॉमन है, तो कॉमन ये है कि सब में डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो रहा है. दिखा रही हूं कि कैसे नाइन्थ में होगा, ध्यान से देखिएगा. दिस इज 3x प्लस 5, x स्क्वायर कॉमन, सो x माइनस 1 बचा x स्क्वायर माइनस 1. अब इसको मैंने लिख लेना है ध्यान से, ये x स्क्वायर माइनस 1, सो विच इज x माइनस 1, x माइनस 1 एंड x प्लस 1, तो हो गया x माइनस 1 स्क्वायर. अब आप कंपेयर करें तीनों क्वेश्चन को, कुछ कुछ सही हो रहा है, तो अगर मैंने ये सम करा तो ऑब्वियसली वो दोनों हो जाने हैं. ठीक है, और इसमें तो क्या होगा, एक टर्म कम भी आएगा, बिकॉज इसमें दिस इज a अपॉन a आएगा x प्लस 1, b अपॉन x माइनस 1, तो तीसरे में ऐसा हमने इलस्ट्रेशन करा था. ठीक है, c अपॉन x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, बिकॉज 2 एंड 4 है, तो एक टर्म 2 वाला भी होगा, एक टर्म 4 वाला भी होगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर हमने करनी है कंपैरिजन, सो उससे पहले 3x प्लस 5 ये हमारा न्यूमरेटर, जो हर बार मैं लिखती हूँ न्यूमरेटर लेफ्ट न्यूमरेटर राइट, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. सो लेफ्ट में जो न्यूमरेटर है विच इज 3x प्लस 5, अब राइट में a इंटू एलसीएम में आएगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस b में एक x माइनस 1 एक x प्लस 1 विच इज x स्क्वायर माइनस 1 एंड c में x माइनस 1 स्क्वायर है सो इट इज x प्लस 1. ठीक है, क्या करा हमने, वापस से x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इज द एलसीएम, तो यहाँ पे x प्लस 1 है, तो क्या बचा, क्या नहीं है, x माइनस 1 स्क्वायर जो कि हमने करा मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक x माइनस 1 है दूसरा और ये पहला x प्लस 1, तो दोनों मिला के हो गया x स्क्वायर माइनस 1, और c में तो एक ही टर्म नहीं है. सो कंपेयर करेंगे ध्यान से, दिस इज 3x प्लस 5, दिस इज a, फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर, यहाँ पे b x स्क्वायर, मिडल टर्म इज माइनस 2ax, यहाँ पे प्लस cx, प्लस लास्ट टर्म इज a, यहाँ पे माइनस b और वहां पे प्लस c. तो क्या होगा आपका सम, a प्लस b वो तो हो जाना है जीरो, बिकॉज सामने कुछ नहीं है, मतलब b इज इक्वल्स टू माइनस a, उसके बाद माइनस 2a प्लस c, ठीक है, वो हो जाना है 3, एंड एज वेल एज a माइनस b प्लस c वो हो जाना है 5. अब b के बदले क्या आएगा, माइनस a, तो क्या होगा a प्लस सी विच इज 5, सो दिस इज 2a प्लस c इज 5, दिस इज माइनस 2a प्लस c इज 3, कैंसिल, सो 2c इक्वल्स टू 8,
सी हो जाना है फोर, ठीक है। अगर सी की वैल्यू मैंने रख दी कहीं पे भी, ठीक है, सपोज मैंने यहां पे रखी तो सी फोर, तो वो माइनस वन होगा, तो ए हो जाएगा हाफ, बी हो जाएगा माइनस हाफ, तो क्या होगा अगर मैंने ये सम लिखा यहां पे, सो व्हाट इज योर ए, हाफ अपॉन एक्स प्लस वन, बी विच इज माइनस हाफ अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस सी, सी हो गया है हमारा फोर, सो इट इज फोर इंटू एक्स माइनस वन रेस टू माइनस टू। ऐसा हमने करा था बिकॉज उसको एक्स माइनस वन को स्क्वायर रखने में कोई अच्छा नहीं है, बिकॉज उसकी फॉर्मूला नहीं होगी। सो दिस इज हाफ लॉग, ये एक्स प्लस वन और ये माइनस, तो ये एक्स माइनस वन प्लस फोर एक्स माइनस वन रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, ठीक है। क्या होगा अगर और सिंप्लीफिकेशन करें, हाफ लॉग मोड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। एक और बार a के बदले वैल्यू मैं आपको दिखाती हूं, a इज वन बाय टू, b इज माइनस वन बाय टू, c की वैल्यू फोर मैंने यहां पे कैसे रखी, ये c फोर आया तो उस हिसाब से फोर यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, ए हो गया वन बाय टू। सारी वैल्यूज हमने रखी वन बाय टू माइनस वन बाय टू, यहाँ पे क्या हो गया फोर, और उस हिसाब से एक्स माइनस वन होल स्क्वायर के बदले न्यूमरेटर। ये था क्वेश्चन नाइन, लेट मी कंफर्म द आंसर। क्वेश्चन नाइन 7.5 का क्वेश्चन नाइन, which is yes, उन लोगों ने यही लिखा है, हाफ के फॉर्म में ही लिखा है, x plus 1, x minus 1 and minus 4 upon x minus 1. तो सेम सम से वो दोनों सम भी होने हैं, ठीक है, सेम मेथड से आपको वो दोनों सम करने हैं। जैसे कि अब ये हमने जो पहले करा था उसमें क्या था कि ए बी सी या हम जो भी स्प्लिट करते थे सब में अपॉन में जो स्प्लिट होता था वो पावर वन के फॉर्म में होता था, ठीक है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि पावर में स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर होता है तो हमें दो दो अलग टर्म्स के फॉर्म में स्प्लिट करना पड़ता है, या तो होल स्क्वायर होता है तो इस तरीके से, और अगर इन जनरल स्क्वायर होता है तो बी एक्स प्लस सी वाले तरीके से, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट, एक दो और सम है, जैसे कि वो सम मैंने लिखा है 14th, क्योंकि 8th जो मैंने लिखा है वो 9th की तरीके से हो जाएगा, 14th मैं आपको करके देती हूं। तारी आँख नो आफीली तारा बोल नो बंधाणी तारा रूप नी पूनम नो पागल। 14th विच इज 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 दी होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको अगले वाले सम की तरीके से सोचूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें तीन टर्म्स थे, जैसे यहाँ पे सिर्फ दो टर्म है, x प्लस टू दो बार होल स्क्वायर, तो मैंने लिखना है स्प्लिट करके कुछ इस तरह लिखना है, आप सुनो। क्या हुआ, हमने लिखा a अपॉन b अपॉन जो हम हर बारी लिखते थे। अब यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें, सो 3x माइनस 1 ये न्यूमरेटर है विच इक्वल्स टू a के साथ आएगा x प्लस 2, क्यों, बिकॉज एक x प्लस 2 तो है, b के साथ कुछ नहीं आना है, तो उस हिसाब से 3x माइनस 1 इज ax प्लस 2a प्लस b, ठीक है। तो अगर वैसे हमने सोचा तो a क्या हो जाना है 3, ठीक है, और क्या होगा 2a प्लस बी विच इक्वल्स टू माइनस 1, सो b इज माइनस 1 माइनस 2a, तो b हो जाना है माइनस 1 माइनस 6 विच इज माइनस 7, ठीक है। क्या किया हमने, a अपॉन
ए क्या हो रहा है हमारा 3/3, ठीक है। अब बी क्या हो रहा है, सो बी में हमने लिखा यहाँ पे जैसे कि ये जो वैल्यू हमने कंपेयर करी 2a+b, तो वो हो रहा है -7। सो क्या आएगा हमारा क्वेश्चन, ए इज 3/x+2, बी इज -7 एंड x+2 का पावर -2, सो दिस इज 3 log mod x+2 एंड दिस इज x+2 raised to -1/-1, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 3 log mod x+2 -7। अब वो जो पावर है वो जाएगा नीचे, सिंपल, कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ टर्म के हिसाब से स्प्लिट करना है। एक और सम हमारा बाकी है विच इज 12th सम। क्या दिया है आपको 12th सम में, विच इज x³+x+1/x²-1। 12th विच इज x³+x+1/x²-1। एक बारी हम कंफर्म कर लेते हैं, अब एक्स क्यूब दिया है पहली बार, कुछ चीजें पहली बार होती है जिंदगी में, मुझे एक्स स्क्वायर देख के ये समझ में आया कि अगर मैंने लिखा होता x³-x+2x+1, दिस इज x²-1 एंड दिस इज x²-1, क्या किया मैंने, मैंने x को जोड़ा, घटाया, एड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर मैंने ले लेना है x कॉमन, सो बचा x²-1, मतलब एक्चुअली कुछ नहीं बचा, वो तो कैंसिल, प्लस दिस इज a/2 फैक्टर्स हो गए एंड b/2, बिकॉज x-1 एंड x+1, तो ये तो हमारा इन जनरल सम हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं। So this is x plus, इसमें x is 1, अब a के लिए 2x+1/x+1 होता है, ठीक है। b के लिए अगर मैं सोचूं, so 2x+1/x-1, यहां पे x की वैल्यू 1, so 3/2/x-1, यहां पे x की वैल्यू -1, so -2+1 is -1, -1/-2, so which is 1/2, और अब तो सिंपल, x का आंसर x²/2 + 3/2 log mod x-1 + 1/2 log mod x+1, ठीक है। बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना है हमें, ये सारे सम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ पावर से समझना है कि क्या हो रहा है, और पावर के हिसाब से ही आप सम कर पाओगे, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन है जो हमने नहीं किया है, कौन सा है इलस्ट्रेशन, अब इलस्ट्रेशन है 15, बट उसमें ऐसा है कि हमें साइन थीटा को कुछ सपोज करना है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, तो जो कॉस थीटा है वो आ जाएगा आपका dx या dy, जो भी आपको दिया है बस उसी हिसाब से जाना है, ठीक है। अब जो 16th है वो है a/bx + c/, ठीक। एक और सम है हमारा 18th, क्या होता है सम में देखिए, कुछ अलग सा है, क्या अलग है, which is x²+1 x²+2, this is x²+3 and x²+4। अब आप ये सोचो कि भी ऐसा तो हमने कोई सम नहीं किया, अब इसमें अगर मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया जैसे कि x² के बदले कुछ भी, तो दिक्कत ये होगी कि 2x उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो मैं क्या करती हूँ, जस्ट टू मेक इट इजी, x² = t, विच इज नॉट सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ सम इजी लगे दिखने में इसलिए ऐसा किया है, सो विच इज t+1 t+2 / t+3 t+4, ऐसा कुछ होगा, दो तरीकों से सम होगा,
ठीक है, अगर मैंने करा सिंपल एक्सपांशन ध्यान से टी स्क्वायर, पहले डिनोमिनेटर विच इज टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12, ठीक है, मैंने लिखना है न्यूमरेटर में टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 माइनस क्यू, बिकॉज न्यूमरेटर में 70 नहीं आएगा, कितना आएगा टी एन टू टू टी एंड दिस वन, सो इट इज 3t, तो मुझे लिखना है माइनस 4t, फिर क्या होगा 2 एंड 1 सो ओनली 2, सो इट इज माइनस 10, सो नाउ द क्वेश्चन इज बहुत ही इजी, टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 स्प्लिट माइनस यहां पे 2 कॉमन रख के दिस इज 2t प्लस 5 अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 4 जैसे थे टी प्लस 3 टी प्लस 4, ठीक है, अब क्या होगा सिंपल दिस इज 1dt, ये स्प्लिट कर लिया, माइनस 2 दिस इज a अपॉन टी प्लस 3 b अपॉन टी प्लस 4 जैसे हम करते हैं हर बारी, चलिए क्या होता है 1, मैं इंटीग्रेशन अभी नहीं कर रही हूं खामखा, क्यों मुझे c1 c2 c3 ऐसा लिखना है, लेट इट बी, यहां पे क्या होगा a के लिए होगा t इज माइनस 3, सो माइनस 3 मतलब माइनस 6 प्लस 5 इज माइनस 1, माइनस 1 अपॉन 1 सो इट इज माइनस 1, ठीक है, यहां पे t क्या हो जाएगा माइनस 4 सो इट इज माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 सो प्लस 3, तो अब ध्यान से देखिएगा 1 का t माइनस एंड माइनस प्लस 2 log t प्लस 4 माइनस 6 log टी प्लस 4 मतलब दिस इज एक्स स्क्वायर टी था एक्स स्क्वायर 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 log एक्स स्क्वायर, अरे ये 3 है सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, ठीक है, तो ये हो गए हमारे टू पावर्स वाले सम की, मतलब अगर क्वाड्रेटिक में दिया है या पॉलीनोमियल में दिया है, क्यूब हो सकता है क्वाड्रेटिक हो सकता है कुछ भी हो, तो हमें हर तरीके से सम में स्प्लिट करके पार्शियल फ्रैक्शन करना आ गया, स्क्वायर हो तो भी स्क्वायर ना हो तो भी, तो ये था हमारा टोटल कंसेप्ट कौन सी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 14 हमने यहाँ पे कर लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन अगेन, ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट 7.5 का, सो ये हो गए टोटल हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट 7.5 विद द करेस्पॉन्डिंग इलस्ट्रेशंस, थोड़ी सी एक्सरसाइज लंबी है लेकिन हमने सारे सम्स इसलिए करे ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई किस तरीके से स्प्लिट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज प्लीज आप, वैसे तो सारी बट ये एक्सरसाइज तो बिना भूले लिख के प्रैक्टिस करिएगा, मिलेंगे एक और नए सेशन में और नई एक्सरसाइज के साथ 7.6 के साथ, तो तब तक के लिए पता है आपको, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जलसा में रहिए और पढ़ते रहिए, आओ जो